सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड, प्लस जो स्क्रूटनी रिजल्ट है उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन की पीएनपी की तरफ से अभी तक थर्ड सेमेस्टर एग्जाम और स्क्रूटनी रिजल्ट से रिलेटेड अभी तक क्या इन्फॉर्मेशन मिला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि हर एक प्रशिक्षु को जो भी परीक्षा स्क्रूटनी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं उनको जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम आप सभी को बता दें कि यहाँ पर कल 2019 बैच के कुछ प्रशिक्षु पीएनपी कार्यालय गए थे, ठीक है, और वहाँ पर उन्होंने ये मुद्दा रखा कि जो थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, पीएनपी सचिव जी से पूछा गया कि जो तृतीय सेमेस्टर का एग्ज़ाम है वो कब तक करवाया जा सकता है, क्योंकि पीएनपी की तरफ से ये आश्वासन मिला है कि जो डेट शीट है वो 2 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में जारी कर दिया जाएगा। तो क्या जो भी प्रोसेस है एग्ज़ाम का वो स्टार्ट हुआ है या फिर नहीं, तो इस पर पीएनपी सचिव जी ने क्या कहा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर पीएनपी सचिव जी ने साफ साफ कहा कि थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम के बारे में अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। पूछा गया क्यों? सो फ्रेंड्स, वहाँ पर तब उनका जवाब आया, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि अप्रैल माह में पंचायत है, और जब पंचायत हो जाएगा तभी थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम करवाया जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने साफ साफ इस तरीके से कहा है, और ये बिल्कुल सही। फिर उनसे पूछा गया, क्योंकि आप सभी के लगातार सवाल आ रहे हैं कि जो स्क्रूटनी रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। सो फ्रेंड्स, स्क्रूटनी रिजल्ट जो है वो अप्रैल के सेकंड वीक में, क्योंकि अगर हम कहें तो 2019 बैच से रिलेटेड जो स्क्रूटनी की जो भी कॉपी, ठीक है, उन्होंने कहा कि स्क्रूटनी रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत सारे डाइट ऐसे हैं जहाँ पर जो भी कॉपी है वो अभी भेजे नहीं है। क्योंकि आप सभी को हम बता दें कि जो स्क्रूटनी का जो भी कॉपी चेक होगा वो पीएनपी पे ही उसका मूल्यांकन किया जाएगा, तो जो भी कॉपियां हैं वो अभी उनको सेंड नहीं किया गया है। तो वो रीज़न यानी कारण बता रहे हैं कि इसी की वजह से जो स्क्रूटनी रिजल्ट है इसमें देरी हो रही है। और आप सभी को पता है कि जब तक स्क्रूटनी रिजल्ट नहीं आएगा तब तक थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने बोला है कि जो स्क्रूटनी रिजल्ट है वो अप्रैल के सेकंड वीक में आ सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, पहले बोला जा रहा था फर्स्ट वीक में आएगा, बट अब ऐसा कुछ नहीं है, जो स्क्रूटनी रिजल्ट है वो अब कंफर्म है कि सेकंड वीक में आएगा, ठीक है। अगर आ जाता है तो बेस्ट, नहीं तो वो आगे भी बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से पीएनपी सचिव जी ने कहा कि अभी कॉपियां नहीं आई है, तो आप खुद एक बार सोचना, जब अभी कॉपियां नहीं आई है तो चेक होगा तो एक हफ्ता उसमें लेंगे, फिर कहीं रिजल्ट का जो भी प्रोसेस है वो लगाएंगे, तो थर्ड वीक भी जा सकता है, ठीक है। तो जो भी जानकारी पीएनपी सचिव जी से मिला वो मैं आप सभी को दे रही हूँ चैनल के माध्यम से। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बात ये करते हैं कि अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जिन साथियों, यानी यहाँ पे 2019 बैच जो थर्ड सेमेस्टर है, ठीक है, 2019 बैच प्रशिक्षुओं के थ्रू कहा जा रहा है कि जो थर्ड सेमेस्टर है वो प्रमोट कर देना चाहिए और फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम अब करवा लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है और सभी साथी इस बात पे मतलब वो एग्री है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब जिनका पेपर बैक लगा है उनका कहना है कि अगर हमारा पेपर सेकंड सेम में बैक लगा है तो क्या हमें थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट किया जाएगा या फिर नहीं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, जिस तरीके से पहले क्या हुआ था, जो 2018 बैच के साथी थे, ठीक है, उनका थर्ड सेमेस्टर था, और अगर उनका सेकंड सेम में एक या दो सब्जेक्ट में बैक था, ठीक है, तो क्या हुआ था कि उनको मतलब प्रमोट नहीं किया गया था, यानी बैक पेपर देना था और थर्ड सेमेस्टर का भी पेपर देना था। तो इस तरीके से मतलब पहले का नियम ये था, बट अभी देखिए, क्योंकि इस पर हम ये कन्फर्म नहीं कह सकते हैं कि ऐसा ही होगा, बट जो भी पीएनपी का नोटिस अगर वो थर्ड सेमेस्टर प्रमोट करते हैं तो बहुत ही बेस्ट है, ठीक। तो जिनका बैक लगा है उनके लिए भी नई गाइडलाइन जारी की जाएगी, तो वो भी बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक तरीके से पीएनपी तरफ से अभी तक यही अपडेट मिला है कि जो थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है वो अप्रैल माह में कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा, ठीक है, और स्क्रूटनी रिजल्ट जो है वो अप्रैल के सेकंड वीक में आ जाएगा, ठीक। और प्रमोट से रिलेटेड फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि आपका जो भी परीक्षा है थर्ड सेमेस्टर ये प्रमोट हो, तो आपको एक यहाँ पे एकजुट होकर
सभी को एक साथ पीएनपी कार्यालय जाना होगा और अपना जो भी आवाज़ है, ठीक है, जो भी हक है वो पीएनपी सचिव के सामने रखना होगा, क्योंकि जो आपका सत्र है बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए तो कुछ कमेंट्स ले लेते हैं। जैसे कि इनका कहना है कि सेकंड सेमेस्टर में बैक है, तो क्या सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब तक होगा? तो जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि पीएनपी सचिव का कहना है कि थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम के साथ ही सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम करवाया जाएगा, ये कन्फर्म है। यानी आपको नई जो भी बैच आएगी 2021 वाली, उसका वेट नहीं करना पड़ेगा आपको। जैसे ही थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम करवाया जाएगा, साथ में सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी करवाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर कि हमारा 2019 बैच डीएलएड का 6 अगस्त 2021 को ही पूरा हो रहा है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये बिल्कुल, क्योंकि 6 अगस्त 2019 में आपने एडमिशन लिया और यहाँ पर 6 अगस्त 2021 को पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। बट अगर कहें तो अभी तक आपका केवल और केवल सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट ही आया है। कैसी परिस्थिति है? उसके बाद से यहाँ पे जैसे कि इनका कहना है कि बैक वालों का क्या होगा 2019 का। सो फ्रेंड्स, मैंने आप सभी को इन्फॉर्मेशन दिया कि जिनका बैक लगा है, अगर 2018 का नियम फॉलो करते हैं तो फिर आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा। आपको सेकंड सेम का पेपर देना होगा जिस सब्जेक्ट में बैक लगा है वो, और थर्ड सेमेस्टर का, ठीक है। बट अभी कन्फर्म नहीं कह सकते क्योंकि नई गाइडलाइन जो भी होगी पीएनपी की वो आपको बताया जाएगा। बट अभी प्रमोट तो किया ही नहीं जा रहा है ना, जब होगा तब आप, इसलिए आपको बिल्कुल मतलब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपने पढ़ाई पे फोकस करना है। अब देखिए यहाँ पर इनका कहना है कि हम लोग का टीचिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई है, 11 दिन बचे हैं और टीचिंग के, बट फिर से छुट्टी होने लगे हैं। स्कूल में कैसे कंप्लीट होंगे टीचिंग? क्या फिर से ऑनलाइन होगा क्या टीचिंग? सो फ्रेंड देखिए, इससे रिलेटेड मैंने आप सभी को इन्फॉर्मेशन शेयर किया था कि अगर बीच में छुट्टी हो गई तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे देखिए अगर ऐसे प्राइमरी विद्यालय हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, क्योंकि अभी कुछ सिस्टर ने ये कमेंट्स किया था कि हमारे जो प्रिंसिपल है वो कह रहे हैं कि छुट्टी हो गया है तो आपको फिर से आगे जो भी डेट है वो बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरीके से तो नहीं होना चाहिए, बट ये प्राइमरी विद्यालय पर डिपेंड करता है कि अगर वो कहेंगे 30 दिन ही होगा तो 30 दिन, क्योंकि छुट्टी तो हो जाता है, तो अब छुट्टी को थोड़ी ना आप ऐड करेंगे। जैसे संडे है तो संडे को थोड़ी ना काउंट करते हैं, यानी एक मंथ का होता है कि आपको इस डेट से इस डेट के बीच में आना है। अब छुट्टी हो या उससे मतलब नहीं होता है, बट यहाँ पे जो प्राइमरी विद्यालय है उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या आपको पुनः एक बार, क्योंकि इसमें आपकी गलती नहीं है, सरकार जो है वो छुट्टी कर रही है, इसमें आपकी क्या गलती है, ठीक है। तो इस तरीके से नियम लागू नहीं होना चाहिए, बट ये पूरा मतलब प्राइमरी विद्यालय पर जो भी प्रिंसिपल है उस पर डिपेंड करता है कि क्या वो जो डेट है उससे आगे, क्योंकि जो आपका टीचिंग होता है उस पर डेट पहले से ही मेंशन होता है कि आपको इस डेट से इस डेट तक ही टीचिंग लेनी है, ठीक है। तो आपके अदर कोई भी डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर आप सभी को जरूर करेंगे, ठीक है। देखिए इनका भी यही कहना है कि स्क्रूटनी रिजल्ट कब तक। सो फ्रेंड्स, मैंने आप सभी को इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिया है, ठीक है। अब देखिए 10 अप्रैल तक आप सभी को वेट करना होगा और 10 अप्रैल के बाद सभी साथी को एक साथ मिलकर जो भी आपको अपना आवाज़ जैसे कि प्रमोट मुद्दा इसको लेकर चलना होगा, तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो 2019 बैच जो नई शिक्षक भर्ती आएगी उससे बाहर हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं आप सभी से यही कहूँगी कि अगर आप चाहते हो तो आपको आगे आना होगा और अपने हक के लिए आवाज़ उठाना होगा, ठीक है। तो मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।